हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना में अपने प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उन सभी सवालों का जवाब यहां इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर क्यों सुकन्या समृद्धि योजना को ही चुना जाए, इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां मैं आपको बता दूं कि यह इस योजना पर मेरा दूसरा वीडियो है। यदि इससे पहले आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। उस वीडियो में मैंने आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इस योजना के तहत मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, जो लगभग 71 लाख से लेकर 72 लाख तक यहाँ आपका हो सकता है। इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये शीट आप यहाँ मेरी वेबसाइट पर विजिट करके आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ विजिट करके भी इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ येलो फील्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको फिल करने रहते हैं। यहाँ आप फिल कर सकते हैं, ये आपके लिए ओपन रहते हैं, बाकी ये सीट लॉक रहती है। यहाँ सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ ईयर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ नीचे लिस्ट आपको उसी ईयर से शो होनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ ये लिस्ट 2021 आपने सेलेक्ट किया, 2021 से ये जो ईयर सेक्शन है ये फिल हो गया, ऑटो फिल रहता है। ईयर आपने यहाँ 1 ईयर सेलेक्ट कर रखा है पहले से। यहाँ आप न्यूनतम जो जमा अमाउंट है वो 250 रुपये आप करवा सकते हैं, तो 250 यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आपने प्रीमियम यहाँ फिल किया है, नीचे की तरफ जितने भी फील्ड है मंथली प्रीमियम ऑटो फिल हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट आपकी जो फिलहाल इसी स्कीम पर चल रही है वो 8.4% है। दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, यह है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर 6 माह बाद में रिवाइज की जाती है। भारत सरकार की बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जो गिरता हुआ लिंगानुपात है उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए इस योजना का लोकार्पण हुआ था। इसलिए इस योजना की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सारी योजनाओं से अच्छी रहती है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस योजना का जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों, जैसे ही आप यहां 250 रुपये मंथली प्रीमियम फिल करते हैं, नीचे के फील्ड आपके फिल होकर आ जाते हैं। मेच्योरिटी आपका अमाउंट जो रहता है वो रहता है 1,37,469 रुपीज। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, यहाँ ईयरली आपका जो प्रीमियम जो होता है 250 रुपये मंथली के हिसाब से वो रहता है 3,000 रुपीज़। यहाँ पर इंटरेस्ट आपका 137 यहाँ आपको 1 ईयर के लिए मिलता है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 3,137 रुपये यहाँ हो जाता है। आप ईयर वाइज इसको नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ आपका जो मेच्योरिटी जो अमाउंट है, यह है आप यहाँ ऊपर आपको यहाँ ग्रीन जो टेप बना हुआ है इसके अंदर आपको शो होता है। अब दोस्तों, यदि आप 1,000 रुपये मंथली तक यहाँ प्रीमियम जमा करवाते हैं तो वहाँ उस परिस्थिति में आपके लिए ईयरली प्रीमियम जो है 12,000 रुपये हो जाता है और आपकी मेच्योरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर यहाँ आपको लगभग 5.5 लाख रुपये मेच्योरिटी के रूप में आपको जब बालिका 21 वर्ष की होती है तो यहाँ आपको मिलते हैं। इस योजना के तहत आपको कुल 14 वर्ष तक ही प्रीमियम जमा करवाना रहता है। 14 वर्ष बाद आपको कोई प्रीमियम जमा करवाने की रिक्वायर नहीं होती है। इसके बाद ये जो स्कीम है ये टैक्स सेविंग स्कीम के अंतर्गत आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 80C के तहत यह योजना आपको 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर आपको कर से राहत प्रदान करती है। इसलिए यदि आप मंथली जो प्रीमियम है वह कुल 12,500 रुपये यदि आप जमा करवाते हैं तो यहाँ आपका जो ईयरली प्रीमियम है वह कुल 1,50,000 रुपये तक हो जाता है। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट जो ईयर है इसके लिए आपका ओपनिंग बैलेंस 0 रहता है। मंथली प्रीमियम आपका यहाँ 12,500 है, ईयरली प्रीमियम आपका 1,50,000 रुपये यहाँ हो जाता है। इंटरेस्ट आपको प्रथम जो ईयर है उसके लिए जो मिलता है वह रहता है 6,825 रुपीज। और इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट अमाउंट खूब बढ़ जाता है यहाँ पर। और आपका जो मेच्योरिटी अमाउंट जो रहता है वह रहता है यहाँ पर लगभग 69 लाख रुपीज़। आप देख सकते हैं 68,73,000
1124 रुपीज यहाँ टोटल हैं, लगभग 69 लेख यहाँ आपका रहता है। दोस्तों इस वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप मैक्सिमम 71 से लेकर 72 लेख तक आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो मंथली जो प्रीमियम है इसके जो आपकी जो यहाँ ब्याज कैलकुलेशन जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर के एंड में की जाती है, साथ ही आपको मंथली जो ब्याज जो मिलता है वह यहाँ पर हर मंथ की 5 डेट से लेकर यहाँ जो लास्ट जो डेट रहती है उस तक जो आपका न्यूनतम जमा रहता है उस माह में आपके अकाउंट में, उस पर आपकी कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए यहाँ पर आप यदि ये जो ईयरली जो प्रीमियम है कुल 1,50,000 रुपये तक का, यदि आप फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही आप जमा करवा देते हैं, यदि आप 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक यदि आप यहाँ जमा करवा देते हैं तो आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट है ये यहाँ पर 72 से लेकर 73 लेख तक का रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप प्रीमियम जमा करवा सकते हैं तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के शुरू के अंदर ही आप 1,50,000 है उनको आप जमा करवा दें। अदरवाइज आप जो मंथली प्रीमियम है उसको ज़रूर आप यहाँ जो हर मंथ की जो 5 डेट रहती है उससे पहले जमा करवाएं, ताकि आपकी इंटरेस्ट रेट यहाँ अधिक रहे, आपको पूरा इंटरेस्ट मिले। यदि दोस्तों इस योजना में कैलकुलेशन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके बाय।